CCTV has emerged where a video of a car in which cops are arresting Amritpal's driver and his aides can be seen. Now, it is not clear whether Amritpal was in this vehicle or not. The video of the same vehicle was also seen yesterday while going to the police station. So the CCTV footage is on your screen right now. And in this CCTV footage, we can see a video of a car in which cops are arresting Amritpal's driver and his aides. Now, it is not clear whether Amritpal was in this vehicle or not. Suraj Bhan is joining us to tell us more about it. सूरज, क्या आप हमें और बता सकते हैं सीसीटीवी फुटेज के बारे में जो अभी सामने आई है, जिसमें अमृतपाल के ड्राइवर को देखा जा सकता है? देखो, बेशक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, लेकिन ये सीसीटीवी उतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी काफी कुछ बयान कर रहा है, जिसमें अमृतपाल के साथी और ड्राइवर को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये जलंधर के किस इलाके का है ये तो कन्फर्म अभी तक नहीं हुआ। महताबपुर का ये सीसीटीवी बताया जा रहा है, जो काफी साफ दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी को कल पुलिस थाने ले जाया गया था, वही एंडेवर गाड़ी है जिसमें अमृतपाल के साथी सवार थे, अमृतपाल सवार था, उसी गाड़ी का ये सीसीटीवी सामने आया। फिलहाल अजय, पुलिस ने इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये तो साफ है कि अमृतपाल के साथियों को जब गिरफ्तार किया गया होगा उस वक्त का सीसीटीवी रहा होगा। जी जी सूरज, अमृतपाल के बारे में कोई जानकारी सामने आई है? अभी उनकी लेटेस्ट लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे है? देखो, अमृतपाल को लेकर पूरी रात पुलिस का सर्च ऑपरेशन चलता रहा, अभी पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक ये सफलता नहीं मिली है कि आखिरकार अमृतपाल कहाँ है, किस जगह पर लुका हुआ है, पंजाब में है या पंजाब से बाहर चला गया। पंजाब की जितनी भी सरहदें हैं, चाहे वो इंटरस्टेट इलाका हो, चाहे वो डबवाली का इलाका हो, चाहे वो राजस्थान साथ लगता इलाका हो, वहां पे भी इलाकों को सील किया गया है ताकि वो पंजाब के बाहर ना जा सके, और पुलिस का अलर्ट किया गया है, इंटरनेट सेवाएं बंद है, एसएमएस नहीं हो सकते, तो हो सकता है कि जल्दी ही पुलिस उसको गिरफ्तार करे, पुलिस के ये अधिकारियों का कहना है। जी सूरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। नाउ वी हैव सम मोर ब्रेकिंग न्यूज दैट्स कमिंग इन।